राम राम सारण है। मैं हूँ अगला कुसुम गोए तरी। मैं पहुँच गई हूँ कैथल के चीका के सलीमपुर गांव में। सलीमपुर गांव में मामनू पहुँचे हैं कि भाई एक खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम से विष्णु। हालांकि खिलाड़ी ताइक्वांडो का है, वो फ्री में कोचिंग भी दिया करता छोरिया ने और अच्छे मेडल भी लेकर आ रहा है। वो मेडल मैं दिखाऊंगी, ये देखो उनकी वाइफ कितने सारे मेडल लेकर आ रहा है। लेकिन आज जो उसकी हालत है ना, वो बहुत बुरी हालत होगी है। बिल्कुल ठीक थे, एकेडमी भी 4 बजे प्रैक्टिस पर तभी आए थे। अच्छा। बिल्कुल ठीक थे, हाँ, खाना पीना आराम से खाया। अच्छा। फिर सो रहे थे। अच्छा। 12:30 का टाइम था रात को, तो पानी पीने उठे ना तब उठा नहीं गया इनसे, एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे इनकी ये हालत हो गई। अच्छा, तो फिर एकदम तनु मतलब कुछ बीमार बीमार हो गए थे या एकदम? हाँ, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने डॉक्टर के दिखाया? हाँ, डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर के लेके गए, तो धीरे धीरे इनको यही हुआ, ब्रेन अटैक बोल रहे हैं डॉक्टर। अच्छा। हाँ जी। तो इब कितने दिन हो गए इसी हालत में? 5वां महीना लग रहा है। 5वां महीना? हाँ जी। अच्छा जी, कोई मदद की सरकारी? नहीं, कोई प्रकार की कोई मदद नहीं हमारी। अच्छा। हाँ, 16-17 लाख रुपए लग गया है। हाँ अच्छा जी, फिर आप बताओ, मैंने हॉस्पिटल में पैसों करके जिन पर हमने लेना था वो ले लेकर लगा दिया, अब कहाँ से लगाए। अभी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, किसी की कोई मदद नहीं है। कमाने वाले हमारे घर में यही थे। कौन कौन है फैमिली में? मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी सास, मेरा देवर, छोटा बेबी है। हाँ जी। तो यही थे बस एक कमाने वाले, पिताजी 2013। हाँ जी। तो देखो भाई कितनी मतलब बुरी हालत इनकी हो रही है। खिलाड़ी हैं ये नेशनल लेवल के ताइक्वांडो के, और इतनी बुरी हालत हो रही है इनकी। तो मैम ने यह वीडियो नू बनाई है, जो स्क्रीन पे ये नंबर चलन लग रहे हैं ना, ये साथ की साथ में नू है कि भाई तुम जितनी हो सके मदद इनकी करियो। यू अकाउंट नंबर भी देखते होंगे, इस अकाउंट नंबर पर जितनी हो सके तुम 100-200 जितनी भी तारा दिल करे उतनी मदद जरूर करियो। क्योंकि देखो इतना 16-17 लाख रुपये कम कीमत ना होती। मेरे लिए इनकी माँ भी है, मैं माँ से भी बातचीत करूंगी। एक बार विष्णु ने भी दिखाओगे मैम, जो खिलाड़ी है ये देखो। और जख्म भी इनके बतावे हमने भी देखे हैं, हम दिखा नहीं सकते दर्द है, क्योंकि भाई जख्म इतने वो है मतलब, जो अगर तुम देखोगे ना स्क्रीन पर तो कोई भी नहीं देख पाओगा। मैं तो मतलब मेरे से भी दिखाए थे ना तो बिल्कुल भी नहीं देखे गए थे जख्म जो इनके हैं। बिल्कुल नीचे तक जो हड्डी है वह दिखन लगी थी। और इब इनकी माँ है देखो, इनका खातर शायद एक वो भी रख रखे हैं, आंटी केयर टेकर भी रख रखे हैं ना इनका। हाँ। वो कितने रुपए ले हुए? 22,000 ले महीने के, एक 22,000 एक के हैं, 15,000 एक के हैं, वो पट्टी करके जावे है उनके भी। हाँ, रोज पट्टी करके जावे, 22,000 ले हुए वो, बस इसके पास से दुआ का जावे, दवाई दुई दे का जावे, वो 15,000 में रख रखे है वो, उसकी पट्टी करके जावे रोज का डेली की। उनके भी 2-2 महीने हो गए हमने कोई सैलरी नहीं दी है, कि हमारे पास पैसे आए नहीं देवा कहाँ से। ये मकान दवाई भी लेंदे होंगे फिर? दवाई कम से कम इसके महीने 20,000 की दवाई आ, फिर हम क्या कराएं किसी पे, तो गम है, चंदा मांग मांग के दवाई दवा रहे हैं भाई, कौन बार रिश्तेदार, हम सब पे पैसे ले रखे हैं। आंटी खिलाड़ी रह चुके, फ्री में लड़कियां ना कोचिंग भी दे है ना, किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी ने 10 रुपया की मदद नहीं करी, किसी ने कोई मदद नहीं करी है। तो मतलब ये कुल 16-17 लाख रुपए तो ऊपर खर्चा आ गया। हाँ, 16-17 लाख का तो हमने हिसाब कर लिया, और बाकी जो सही है हम लिखते को नहीं, जिनका तो लिया लिया के देने लग रहे हैं, उनका कोई हिसाब नहीं हो रहा। कोई सरकारी मदद को नहीं मिली क्या आंटी? किसे तो कहा नहीं था हमने, अड़ के विधायक कहे हमने, कोई सरकार को नहीं मिली हमने, बल्कि कोई करे नहीं रहा है, किस पे करूँ हमारी। अच्छा, और आपका जो दूसरा लड़का वो कितने साल का? 17-18 साल का। ओके, बस ये कली रोगन का ही काम कर रहा है, और क्या करे बेचारा। देखो भाई मतलब
17-18 साल का छोटा भाई है, पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ गई उन्होंने सिर्फ अपने बड़े भाई खातर, क्योंकि भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो हम देख सको आंटी आंटी घर आए रहे हैं, इनकी वाइफ है वो भी घर आए हैं, और जो कमाने वाला है वो तो हम देख सको विष्णु, उनकी हालत बहुत बुरी हो रही है। ये आस पड़ोस के हैं ताऊ चाचे, ये जितनी हो सके मदद कर रहे हैं इनकी। और जो छोटा भाई है वो जो है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर उसने अपने कमाना पड़ा, 7-8 हज़ार की नौकरी जो है लेनी पड़ी। मेरे गले मोंटी हैं इनके दोस्त, इनते भी पूछांगे कि इनका के कुछ कहना है, क्योंकि इनके दोस्त हैं, इनके गले खेले उड़ भी हैं, ये भी एक खिलाड़ी है। तो जी आप बताओ मेरे तो इनके बारे में। जी ये तकरीबन 6-7 साल से गेम करते थे हमारे साथ, वहाँ पे ग्राउंड के अंदर यहाँ DV कॉलेज चीका के अंदर ग्राउंड में गेम करते थे। इनकी गेम अलग थी हमारे से, मैं जैसे एथलीट करता था और ये ताइक्वांडो करते थे, और हमने देखा कि ये लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी देते थे। अच्छा। जैसे सेल्फ डिफेंस की, और स्कूल में जाते थे वहाँ पे भी डेमो दे के आते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आते थे। तो जब 2013 के अंदर पता लगा कि इनके पापा की डेथ हो गई तो ये थोड़े डगमगा गई, लेकिन हमने सभी ने हौसला दिया इसको कि अपनी गेम मत छोड़, जैसा भी होगा हम आपका साथ भी देंगे, और कहीं ना कहीं से भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प होती रहेगी, आप गेम मत छोड़िए। तो इन्होंने वैसे ही मतलब जैसे लड़कियों को कोचिंग देते गए, तो इनके पास ऑफर आया कि स्कूल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ से ऑफर आया कि भी अगर आप सेल्फ डिफेंस वगैरह अगर हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों को लड़कियों को सिखा सकते हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो। तो वहाँ पर लग गया था, उसके बाद से मतलब ठीक चल रहा था इसका सिस्टम। कितने दिन सिखाए इन्होंने लड़कियों को, कितने महीने? ये मैम कोई कई सालों से सिखा रहा था ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि 6-7 साल इनको मतलब 7 और 8 के साल के करीब इनको गेम करते हुए हो गए। अच्छा। उसके बाद 2-3 साल के बाद ये सिखाने लगे थे वहाँ पे, मतलब सेल्फ डिफेंस वगैरह जो भी करवा रहे थे। मतलब इनका अगर मैं कहूँ अपनी लाइफ के अंदर अगर मैंने कोई देखा है तो इनसे ऊपर स्ट्रगलर आदमी कोई आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि इतनी कम एज के अंदर इतना कुछ गेन कर लेना, नेशनल में मेडलिस्ट बंदा है ये। हाँ। और दूसरा अपने पूरे परिवार को संभाल रहा है ये, जैसे इनकी वाइफ है, इनके पास एक बच्चा भी है, उसकी भी केयर रखनी पड़ती है, स्कूल वगैरह का सब हर एक चीज़ का खर्च ये उठा रहा था अपना, जैसे कोचिंग देना, कोचिंग के बाद ये कोई और भी काम करते थे, जैसे रात की ड्यूटी वगैरह जहाँ पे भी मतलब जाते थे। ठीक, पर अब इनकी इतनी ज़्यादा हालत बेकार हो चुकी है कि इनको खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। और पता लगा था जैसे गांव में भी ये गए थे, आंटी गई थी तो वहाँ पे जैसे चंदा इकट्ठा करने गए थे, लेकिन जिन्होंने जो हेल्प देनी थी वो दे चुके हैं अभी, और बार बार कोई भी हेल्प देने में बड़ा असमर्थ रहता है। जिसने एक बार 1000 दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो 100 रुपये भी बड़ी मुश्किल से देगा, तो इसलिए वो बार बार वहाँ पे जा भी नहीं सकते। एक बार जाके आए थे, उसके बाद दूसरी बार भी जाके आए थे, तो कुछ थोड़े दिन पहले, कम से कम एक हफ्ता पहले मैं जब आया तो ये बोलने लगे कि आज वहाँ दिखा के आना था डॉक्टर को, लेकिन पैसे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि भी कहीं ना कहीं से भी फ्रेंड सर्कल से चंदा इकट्ठा करें या कैसे ना कैसे करें, तो कुछ पैसे इनको दिए, तो कुछ पैसे वहाँ पे उधार करके आए, और मतलब वहाँ पे थोड़ा मोटा करके लेके आए इसको घर पे। और यहाँ पे घर पे रखना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी पूरी अच्छी तरह से केयर हो नहीं रही, जो हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है वो घर पर नहीं हो सकती। और एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अगर दिखाया जाए तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। मारता तो जितनी मदद होगी ना देखो उतनी करांगे, और जितनी मतलब सामने वाला जो है वो देख रहा है वो कुछ ना कुछ 100-200 की कोई तो करेगा ना, तो रो तो है ना देख, ठीक है ना। 5-6 महीने हो गए, माम भी सुनी, माम ने भी बहुत दुख आया कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी है, देखो इतने सारे मेडल इनकी वाइफ ले रही है। कै साल का छोड़ा देखो? 2 साल का। कै साल होगी बयान? 4 साल होगी। तो जो मतलब लोन पे भी रुपये ले रखे हैं मतलब तुम देख सको कितनी बुरी हालत इनकी हो रही है। जो इन्होंने भी मोंटी ने भी बताया कि भाई
गामत है, मैंग के भी बटड़े कर लिए, रिश्तेदार भी ले लिए, सारी जगह तभी से ले लिए। हालांकि तो हम भी खुद सोच सको हो कि भाई किसे तो 12 रुपये मांगे तो कौन देवे, आज के टाइम में कोई नहीं देंदा। नू सोचा है कि भाई पिछले दे थे वे तो तेरे भी ना ई बागे कुकर किस भरोसे पे देऊं। और हालांकि देखो 5 महीने हो गए, कुछ तो नू सोच ला है कि भाई 5 महीने हो गए अब लग तो ठीक होया नहीं, आगे का के भरोसा। देखो भरोसा तो देखो राम भरोसा हुआ सारा सौदा, लेकिन मारा नू मकसद है इस वीडियो बनाने का कि भाई जितना हो सके तो हम इनकी मदद जरूर करियो। मैं एक बार और स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि विष्णु की हालत देख सको तम। और इस वीडियो ने भी जो भी कोई भी है ना, अगर यार ना आ सकता, सलीमपुर गांव है यू कैथड़ के चीका का, और तो सलीमपुर गांव है, अगर कोई यार ना आ सकता ना तो मारी इस वीडियो ने नू की नू डाल दियो। हम कोई कॉपीराइट कोई स्ट्राइक कुछ नहीं देवांगे। एक बार आंटी तक मैं पूछना चाहूंगी कि भाई कब तक ये मतलब खेला में आना शुरू है। पहले आंटी चुप हो जाओ, रो नहीं आंटी, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरी मदद करेंगे आंटी, ठीक है। पहले तो मनु बताओ आंटी कि भाई कितनी साल तक खेल खुला में रह गया था, इतने सारे मेडल मैंने देखे हैं, वो देख वो बहन जी इतने सारे वो ठहरी हाथ में, कब से लग गया था आंटी? ये तो छोटा सा लग गया था खेलने ना, ये 9 साल तक के 9-10 साल तक के बाप ने हो गए मरे ना, और उससे पहले हैं तो ये सीखन साखन जाया करा था। अंकल के काम करे करते हैं अंकल, इसका उस लग रहा था कड़ी रोज का, तो वही बात है भी ये खाए कर रहा था, फिर कोई नहीं हो, फिर भी वहाँ में उसका सागा सल ठीक। देखो यारी बीमारी कौन थी मारा, वो जैसा भी था बहुत बढ़िया था, कोई यारी बीमारी कौन थी मामना। फिर उसका मरण के बाद यो खेलन भी लग गया था, कई दिन खेला भी है, फिर प्रैक्टिस प्रूटिस करवाने चला जाया करा था, बाहर आप भी खेलन जाया करा था, ये भी इसने हो गए 8-9 साल जानते ने। हाँ ये भी जितना बीमार पड़ा है, जितना हमारी हालत थी, साथ पे सामान भी पड़ा है, मेरे बेटा का नीरा सामान पड़ा है, प्रैक्टिस करवाया करा था बच्चे की, हाँ नीरा सामान पड़ा है, गेम का सामान ले आया था ये। अच्छा जब मेडल जीत के लेकर आया था तब किसी ने सम्मानित करा था? नहीं करा तो था कि ये मेडल मुडल ले आया जीत के बस। देखो भाई मतलब मैं नू पूछन का था ताई तयू पर्सन की भाई जब मेडल जीत के लेकर आया जब तो सम्मानित कर दिया, लेकिन ईव जो हालत इतनी बुरी हो रही है तो हमने देखी भी है, गा माम दिखा नहीं सकते, इतने ज्यादा गा है जमा गा, तो बेटे इसके देखे नहीं जानते है, गा तो बहुत हो रहे इसके देखे नहीं जानते गा तो इसके। तो आंटी तो इसने जो कर बाथरूम वगैरह कुकर खाना पीना कुकर खाना ये नलकी लाग रही से नलकी, मैं कहा डॉक्टर देवे जो भी देना इसने, बाथरूम की या नाली लाग रही है इसका, यो कुछ है इसका सिस्टम कुछ नहीं ना है ना, मेरे बेटा ने 5 महीने हो गए, मतलब उन्होंने बताया होगा कि कुछ आला कपड़ा गेला नु कुछ बस आला एक कपड़ा गेला साफ सफाई डॉक्टर करे, बाकी के कहे डॉक्टर के कहे डॉक्टर नु कहे अभी ठीक हो जाएगा, पर इस पर अभी और लागेंगे तम नु सोचो कितने रुपए कहे डॉक्टर के फिर अलग गई के बरा कितने जख्म मैंने करे 6 महीने लग भी नहीं ठीक होंदे जख्म तो नाजुक करता। मैं शुरू में देखो हॉस्पिटल में लेके गए 2 महीने रखे ना हॉस्पिटल में, हां 2 महीने और कितना खर्चा आ गया था? उड़ा बतेरा खर्चा आ गया हमने, 15 लाख रुपये हमारे हॉस्पिटल में ले गए, फिर हर काम करा लिया है, क्यों सारे रिश्तेदार बहन भाई हमने सब ने पैसे ले लिए, उन्होंने पता है फिर हर काम बोले भी घरा ले जा हमारे की देखभाल जितनी मार पर बनेगी करेंगे, भी घर डॉक्टर रख रखा वो भी रोज पैसे मांगा आंटी पैसे बेटे कोई बात नहीं देवांगे कड़े तो मिलेंगे जब देवांगे। देखो भाई 2 महीने रखा था, 2 महीने हॉस्पिटल में मैं 15 लाख रुपये लग गया, 2 महीने तो अटल रखे दिन रात, और उस डॉक्टर की रोज की फीस थी कदे 40,000 कदे 20,000 कदे 50,000 कदे 40,000 डेली की। तो इब जो डॉक्टर देखा है दवाई दे रहा है जो वो के कब है उसका के कहना है अभी राम हो जाए, उसका राम है उन्हों बताओ आप जो पहला था राम है थोड़ा बहुत आइयो घर हाँ छोरा डॉक्टर ही कराइए उन्हों कह रहे आंटी इसका राम लाग जाएगा, क्यों इसकी केयर करांगे इसकी हाँ। बढ़िया तो बढ़िया दवाई ले आवेंगे ये ठीक हो जाएगा, वैसे तेरे बेटा पैर है तो 6 महीने नहीं चलता उनका हाँ। बाकी इन कहा हम इसकी गौर करांगे इनका इसका जख्म ठीक हो जाएगा, फिर वही बात हो कितना एक दिन अटकागा मेरा घर में, जब मेरा उसने कुछ पैसे दे ली ना देंगे अगला अपना काम धंधा छोड़ कर आवागा कितने दिन अटकागा, नहीं अटक सकता वो ना आंटी। या तो प्रॉब्लम होगी यो देखो मशीन वगैरह यार डॉक्टर ने लगा रखी है, अस्पताल में थे ये पहले विष्णु तो घरानू लेने पड़ गए क्योंकि 2 महीने में जब 15 लाख खर्चा आ गया, और आम आदमी खातर यार तो नू भी नहीं कि भाई कोई जमा पूरा बड़ा वकील जज लग रहा है कि भाई पूरा सारा खर्चा ठा देगा, घर में देखो एक छोटा भाई है 7-8 हज़ार की नौकरी वो लग रहा है, और वाइफ है बस माँ है और 2 साल का छोरा बस, कमान वाला विष्णु था और यो
पैरालाइज, मतलब तुम देख सको बिल्कुल बिल्कुल कोमा में है। इनकी पलक पलक देखो, पलक पलक सिर्फ जप करी है, सिर्फ पलक पलक का मतलब मेरा लगा थोड़ी बहुत ये धड़कन दे ना, ये पैर नांदा कुछ भी नहीं लगा। अरे इन्हें नो मतलब नो नो आप करो है ना, डॉक्टर करा, मेरे को तो होता ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है। मैं मेरे बेटा का पासा पुसा दुआ दी, बस मैं तो इसका मुंह का नहीं देखे जाऊं बैठी, कद इसका हाथ ला का पैर का देख लूं, कद मुंह का देख लूं, बस इससे ज्यादा हिम्मत होती नहीं है मेरी तो। अच्छा नो नो डेटा वगैरह करना सारा डॉक्टर करके जा, हां वो डॉक्टर करा, उरे रहवा वो दिन रात है, ये तो कोई काम जा रहा है, बाकी रात ने भी उरे रहवा, दिन में भी उरे रहवा। वो लोटे लोटे इतने गा हो गए आंटी है, लोटे लोटे गा हो गए इसके इतने नीचे तो नुपे वो हड्डी सी भी दिखन लग गई, जमा हड्डी दिखन लग रही नीचे तो, ये उरे तो भी हड्डी दिखा इसकी साइड में तो भी। तो और मतलब किसी ने नुसला नहीं दी कि भाई और बड़े डॉक्टर हैं ये ठीक जल्दी इलाज कर देवेंगे, किसी ने कहा वो? जिस डॉक्टर का मैं लेकर गया उनका बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसका बड़ा डॉक्टर की तो बीमारी, और कितने 20,000 दे डॉक्टर की, इसकी तो 22,000 है रोज दिन रात के, 35,000 मांगा था मैं, बेटा मेरे पर नहीं है, मैं कटते देंगे इतने पैसे तो। जिस डॉक्टर का मैंने दिखाया उनका बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है उनका, वो बढ़िया डॉक्टर ऐसा था हमारा, बोलता गया था जमा बोलता अस्पताल में दाखिल करा जी है, देख ले इब 8 तारीख आओगी ना, जैसे ना पूरे 5 महीने हो जाएंगे, 8 तारीख ना मेरे बेटा श्याम ने मेरे पर गला बोल कर रोटी खा कर सोया था। देखो भाई तुम एक माँ का दुख समझ सको कि भाई घर सिर्फ आया खेल का आया था कोचिंग पे तय, और कोचिंग पे तय आंदे पानी मंगया एकदम तय यह हालत होगी। मेरे गला कुछ और है यार, इन तो हम बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपको हम तो इसकी चाची हैं। वैसे तो ये वह हलले बन जा रहे हम जाटा, ये मैंने अपने धर्म की पुत्री बना रखी है तो इसलिए मैंने चाचा कहता है, चाची कहता है। हाँ जी, मतलब आप मदद के लिए आती जाती रहो? हाँ जी, इसकी मदद के लिए मैं तो रोज आती हूँ जी, जितने मेरे को हो रही है तो मैं कर रही हूँ जी, और जिस भाई और बन जाती है जितनी इसकी कर दे, मैं तो आज भी इसकी दुआई के लिए पैसे मुक रहे हैं, तो है नहीं दुआई तो आज हमारी ग्राई करने की तारीख थी, तो आप आ जाओगे तो कोई हेल्प होते तो कर दो। चलो जी, जितनी मदद हो सके उतनी कर दियो, अकाउंट नंबर चालन लग रहा है, इस अकाउंट नंबर पर जितने पैसे हो सके तुम जरूर भेजियो, क्योंकि भाई जितनी मदद होगी उतनी इनके घर के ने सहायता मिलेगी, घर में कोई कमाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा तो यूँ कहना है कि तुम इस अकाउंट नंबर पर जरूर 100-200 जितनी भी हो सके उतनी मदद जरूर करियो। तो एक बार मैं ये फोटो दिखाना चाहूंगी, जो स्क्रीन पर तुमने देखा ना विष्णु को, वह हालत देख ली होगी। इब मैं विष्णु का पहला फोटो दिखाना चाहूंगी तरता है कि भाई वो क्यों कर किसे थे, ये देखो बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई यो वो छोरा है पर देखा है, ये देखो कितना स्मार्ट सही खिलाड़ी, अपने इतने मेडल जीत कर लेकर आया और उसकी हालत इतनी बुरी हो रही है, तो सरकार से भी हम तो यही गुजारिश करेंगे जरूर मदद करियो, और ये जो मोंटी है ये भी मदद बहुत करते हैं, हालांकि इन्होंने और भी अपने जो यार दोस्त है उनका भी कहा है कि भाई नूर नूर है मेरा दोस्त, उसकी मदद जरूर करियो। हाँ जी, तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी हेल्प करें, और वुमेन बी फियरलेस टीम की तरफ से इस परिवार को 5100 रुपये, बड़ी छोटी रकम है, इसके साथ शायद ही मतलब कुछ दवाइयाँ या कुछ थोड़ा खर्च इनका संभल सकता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गुना की जरूरत है, जो आप लोगों से गुजारिश करते हैं, और आप प्लीज़ प्लीज़ इनकी हेल्प करें, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया होगा। तो ये मैं इनको देना चाहूँगी। तो मेरे गले वो डॉक्टर भी आ गए हैं यड़े से, ये जो इनकी मदद करा कर। हां जी, के नाम जी आपका? मेरा नाम मनीष है। केड़े कित के हो आप? मैं हरगढ़ किंगन गांव से हूं। अच्छा, यड़े रहो? हां जी, यहीं पर आते हैं 2 महीने से। 2 महीने तो? हां जी, हां जी, हां जी। अच्छा, डॉक्टर के आप तो देखो गांव वगैरह सारे देखो, इनके बारे में क्या बताऊं? कंडीशन बहुत बैड है, बहुत ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, जो मेरी सैलरी है वो भी 2 महीने से पेंडिंग है, मैं 2 महीने से यहीं पर काम कर रहा हूं। हाँ जी, तो यानी कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, क्योंकि कंडीशन बहुत बैड है, मेडिसिन का भी अरेंज नहीं हो पाता कई बार, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि जितना उसके हेल्प मिले तो इनके लिए बहुत बेटर होगा, जल्दी रिकवर हो सकती है। पट्टी वगैरह रोज करो आप?
हाँ जी डेली टू टाइम करते हैं जी, दो टाइम। हाँ जी, खाना पीना सारा यो जो आप इनका, हाँ जी जो रॉयल ट्यूब के थ्रू इनका सारा खाना जाता है, लिक्विड में जाता है। घाव इनको पूरे शरीर पर घाव हुए हैं पहले से ही, क्योंकि बेड सोर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं इनके, जो क्या बेड सोर फोर्थ स्टेज की कगार पर पहुँच गए हैं। क्योंकि अगर फोर्थ स्टेज पर बेड सोर चला जाता तो उसके बाद सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का ये एक ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि अगर प्लास्टिक सर्जरी होगी तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट और खर्च आता है। कम से कम एक बेड सोर के लिए 1-1.5 लाख रुपये खर्च आता है बेड सोर को रिकवरी के लिए, फिर उसमें भी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है ना प्रेशर नहीं आना चाहिए इनके ऊपर, तो इसके लिए जैसे इनके मैट्रेस है इसके लेयर्ड मैट्रेस होगा तो और अच्छा इनको रिकवरी होगी, मतलब कि पैसों की कमी के कारण ही इनका जैसे अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ, मेरे के लिए ये देखने लग रहे होंगे इनके पड़ोस के हैं चाओ ताऊ चाचा के मदद कर रहे हैं ये बहुत अपनी तरफ से जितनी हो सका है, तो पूरी वीडियो तो हमने देख ली है और पूरी वीडियो देख कर ना मारा भी यही कहना बार बार कहना है कि भाई इस परिवार की जरूर तो जरूर मदद करियो, क्योंकि देखो अगर जो कोई यार ना आ सकता तो वह यह वीडियो जरूर मतलब माम कोई स्ट्राइक कोई कॉपीराइट किसी को नहीं देवेंगे, क्योंकि देखो हमारा मकसद है इस वीडियो ने ज्यादा तो ज्यादा आगे पहुँचाना, क्योंकि के बरा कौन सा आदमी इतना दिलदार हो कि भाई बहुत अच्छी मतलब मदद कर सके इनकी, तो ओड़े तक पहुँचाना यू हमारा मकसद है। और ताई है बहन जी है ये देख सको तम ये विष्णु तो देख लिया इनकी कितनी बुरी हालत हो रही है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ताइक्वांडो के ये खिलाड़ी रहे हैं। और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यूं कहेंगे कि भाई इस अकाउंट नंबर पर जितनी हो सके उतनी मदद जरूर करियो जो यू स्क्रीन पर चलन लग रहा है। तो मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो गेला, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत, राम राम।